क्या है, 120 सेब बेचने से 20 सेब के मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो प्रतिशत लाभ कितना होगा। सिंपल सा देखिए, क्या कहता है कि 120 सेब बेचते हैं तो कितना बेनिफिट होगा, 20 सेब के बराबर बेनिफिट होगा। ठीक है, यानी 120 सेब आप बेचते हैं तो 20 सेब के बराबर फायदा होगा। यानी रेशियो देखेंगे, 1 0 2 6 12, यानी रेशियो बन का आता है 1/6, यानी आप 6 सेब बेचते हैं तो 1 सेब के बराबर बेनिफिट होगा। 6 सामान बेचते हैं तो 1 सामान के बराबर बेनिफिट होगा, यानी रेशियो क्या बनता है, 6:1। तो इसका कॉस्ट कितना होगा, ठीक है, ये सेलिंग हो गया, ये क्या है, 6 सामान बेचते हैं तो 1 के बराबर बेनिफिट हुआ, तो इसका कॉस्ट देखेंगे तो 6 में से 1 माइनस कर देंगे, 6 में से 1 माइनस कर देंगे, यानी क्या हो गया, कॉस्ट ये हो गया, और ये कॉस्ट में से बेनिफिट कितना होता है, 1 बेनिफिट होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अभी रुकिए, थोड़ा सा इसको हटाते हैं, रुको, याद रखना है। चलो ये हट गया, चलो अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और यदि नेक्स्ट ग्रुप का चाहिए तो आप कमेंट करिए। ठीक है, चलो देखो क्या है। हाँ, तो यहाँ पे बताया कि कॉस्ट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 में से एक आपका 1 के बराबर बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, यानी 5 कॉस्ट हो गया, ये हमारा सेलिंग था। यहाँ पे देखना, 6 सामान बेचते हैं तो 1 के बराबर बेनिफिट होता है, यानी कॉस्ट देखा था, देखा जाए तो कितना हो जाएगा, वन सेकेंड, कितना हो जाएगा, 6 में से 1 माइनस कर देंगे तो ये क्या हो गया, 5 आपका कॉस्ट हो गया। ठीक है, तो वही यहाँ पे मैंने रेशियो बनाया है कि 5 ये आपका कॉस्ट हो गया, और 1 5 कॉस्ट में से कितना बेनिफिट होता है, 1 सामान के बराबर, यानी 1 रुपीज़ का बेनिफिट होता है। तो परसेंटेज में पूछा है, तो देखो किसी भी चीज़ को परसेंटेज में करने के लिए क्या करना पड़ता है, फार्मूला क्या है कि आप जो बेनिफिट हो रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है, उसका ऊपर रखिए, कितना प्रॉफिट हो रहा है वो, और किसके बेसिस पर हो रहा है ना, अब इसका प्रिंसिपल आप बोल सकते हैं, तो प्रिंसिपल कितने के बराबर में बेनिफिट हो रहा है, तो 5 के बराबर में हो रहा है। ठीक है, और इंटू कर दीजिए 100, परसेंटेज में करने के लिए 100 हो जाएगा, तो कितना बार, 5 × 10, यानी कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, तो 20% हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स।